वालेकुम भाई और उनकी बहनों, आज आपका होस्ट सैयद मोशिर आमिर एक नई वीडियो के साथ मौजूद है। और फ्रांस और अर्जेंटीना का है फाइनल, तो आए चलते अपने पहले बकरे की तरफ। अच्छा, तुम फीफा देखते हो? थोड़ा थोड़ा सारे मैचेस? कभी कभार देखते। रोनाल्डो और मैसी के अलावा पांच फीफा के फुटबॉलर के नाम? एक तो नेमार, ब्राजीलियन ना, कंट्री कंट्री के जी साथ साथ। नेमार, और नेमार दादों के नहीं पता नेमार। तो मेरी तरह बरसाती हो तुम भी फॉलो। और किसी और से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नाम क्या आपका? मेरा नाम खुबैब है। अच्छा, फीफा देखते हैं? जी फीफा देखते। रोनाल्डो और मैसी के अलावा किसी पांच फुटबॉलर के नाम? मतलब मैं ऐसा देखता हूँ कि मतलब जो कभी कभार। अच्छा, इम्पोर्टेंट। अच्छा, फाइनल में अपनी फ्रांस और अर्जेंटीना पहुँची, कौन जीते? इंशाल्लाह अर्जेंटीना जीतेगा। अर्जेंटीना जीतेगा। मैसी के फॉलोअर? हाँ, मैसी के फ्लोर हैं। अच्छा, अगर रोनाल्डो वर्सेस मैसी हो जाता फाइनल में तो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान वाला मजा आ जाता। हाँ, ये लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि किसको यानी कि चूज करूँ, क्योंकि दोनों मेरे यानी कि यानी बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, ये सीन। जैसे बात बाबर आजम को ही करता है, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है सुपर स्टार हैं। आपको अर्जेंटीना पसंद है? हाँ, अर्जेंटीना पसंद है, लेकिन ये कि अगर आप पैशन के लिहाज से अगर पूछ रहे हैं तो इनके रोनाल्डो पसंद। अच्छा, जो रोनाल्डो भाई टीम से आउट हो गए, इनकी टीम आउट हो गई, और मैंने सुना है रोनाल्डो और मैसी का ये आखिरी आखिरी वर्ल्ड कप है, तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना लॉस होगा? ये लोग कब्ज होके बैठा हुआ है लोगों को। डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और बहुत सारे जो हैं जो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई वो भी बढ़ सकती है, और उसके अलावा नहीं कि जो है काफ़ी क्राइसिस आ सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, आटा चीनी पानी दही ये सब खत्म हो जाएगी। वो ख़त्म भी हो सकते हैं, बल्कि उसके अलावा भी यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें ना वो भी ख़त्म हो सकती हैं। शौक ख़त्म हो जाएगा आपका शौक। वालेकुम सलाम, फीफा देख रहे हो? पहले तो नाम क्या है? अरे नाम क्या आपका? राजेश। राजेश, अच्छा राजेश एक बात बताओ, रोनाल्डो ज़्यादा पसंद है या मैसी? मैसी। मैसी देखा है कभी उसको? यहाँ पे रहता है, ये नागन चौरंगी है ना, उसके पीछे हमारे साथ खेलता था पहले, याद है तुमको? हाँ। अच्छा, अर्जेंटीना को लाइक करते हैं, तो अगर ये पोर्टुगल वर्सेस अर्जेंटीना यानी रोनाल्डो वर्सेस मैसी हो जाता तो वो कैसा रहता? तब भी अर्जेंटीना ही। तब भी अर्जेंटीना ही। अच्छा अंकल, ये जो मैंने सुना रोनाल्डो और मैसी का ये आखिरी आखिरी टूर्नामेंट है, रिटायर होने वाला है, तो इनके रिटायरमेंट से क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई फ़ायदा है नुकसान है? नहीं, हमारा तो कोई इसमें नुकसान और फ़ायदा का नहीं है, बस बात यह है कि हम तो एक एंजॉयमेंट के लिए, सारे पाकिस्तान देखता है इसको और मैसी को लाइक करता है। मैसी को आप मैसी पसंद करते हैं? अच्छा, लोग जो है ना रोनाल्डो को ज़्यादा बेहतर समझ, सुपीरियर कहते हैं उसको? नहीं, मैसी सुपीरियर है। आपको मैसी पसंद है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह फुटबॉल खेल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनल में मैसी वर्सेस रोनाल्डो होता तो ज्यादा मजा आता है या फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना? मैसी और रोनाल्डो ही होता तो ज्यादा मजा आता। जी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भाई, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, मैसी भाई, रोनाल्डो, मैसी, पुर्तगाल, मैसी। अच्छा एक बात, एक एक रोनाल्डो इधर आओ, मैसी तकती है, मैसी मैसी। रोनाल्डो भाई का मैंने सुना ये आखिरी आखिरी टूर्नामेंट है, उसके बाद वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, मैसी का भी। इन दोनों के रिटायर होने से पाकिस्तानी इकोनॉमी को कितना लॉस होगा ये तो नहीं पता। हमें इतने नाराज क्यों हुए, लोग रिटायर हो रहे हैं भाई, हमें क्या हो रहा है? उनका आइडियल रिटायर हो रहा है तो आइडियल रिटायर हो रहा है, ये तुमने सही बताया। अच्छा तुम एक शॉट मार के दिखाओ, रिकॉर्ड कर। सुनने में आया कि ये इनके लास्ट कप्स हैं, दोनों के रिटायर हो रहे हैं, तो इनके रिटायरमेंट से या इनके रिटेंशन से पाकिस्तान की इकोनॉमी को फर्क पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल कोई फर्क नहीं, असल में नौजवान यहाँ पागल हुए हैं, रो रहे हैं ये। रोनाल्डो भाई दे पसंद तो हम भी करते हैं, पता है यहाँ पर 80% लोगों को सिर्फ रोनाल्डो और मैसी का ही नाम पता है, तो ऐसे जो है ना बस दो ही नाम पता थे, वो भी चले गए, वो किसका नाम लेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, रोनाल्डो मैसी और नेमार के अलावा बाकी पांच फुटबॉलर के नाम? यार ये तो मुझे भी नहीं पता। रोनाल्डिनो है। अच्छा, मोरक्को की परफॉर्मेंस कैसी थी? यार आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स आई टीम, और मतलब मैं थोड़ा सा बोलूंगा लक भी थी उनकी, क्योंकि अर्जेंटीना को बीट करना या पोर्टुगल को, सॉरी सऊदी अरब ने हरा दी अपने से बड़ी टीम को, और ये मोरक्को ने भी हरा दी अपने से बड़ी
यार ये इस वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल है बहुत सारे अपसेट्स हुए हैं। मुझे लग रहा है ये जो फीफा है आईसीसी की कॉपी कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये मतलब इस वर्ल्ड कप में काफी अपसेट्स हुए हैं। हाँ, तो लेकिन ये है कि अगर फ्रांस जीतती है वर्ल्ड कप तो डिजर्विंग टीम है, क्योंकि अनबीटन आ रही है टीम। अच्छा। अनबीटन टीम आ रही है। वो मैसी के जो फैन है वो बुरा ना मान, वो रोते रहेंगे, वो रोएंगे। वो तो वैसे भी जा रहा है तो वो वैसे ही रोएंगे। शुक्रिया आपका बहुत 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 अच्छा। रोनाल्डो भाई की टीम तो पहले ही आउट हो गई, फिर भी वो अच्छा प्लेयर है। अच्छा, अब तो वो रिटायर हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद मैसी चल जाएगा, उसमें क्या मसला? मैसी भी रिटायर हो रहे, दोनों भाई साथ साथ रिटायर हो रहे, तो नया फुटबॉलर भेजे पाकिस्तान से, नया फुटबॉलर बनाया हम, बोलो सैयद मुबशिर के चैनल को, सैयद मुबशिर के चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो।